अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत अविलंबनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर आपने मुझे अनुमति दी है। इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम गंगा जैसी पवित्र नदी को प्रदूषण से मुक्त करें और उसको अविरल और निर्मल धारा बनाने के लिए जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, चाहे इलाहाबाद के किनारे, कानपुर के इलाके, बनारस के, या जहां से भी गंगोत्री से गंगा सागर तक, उसके कचरों को या उसके चीज़ों को वहां डालने से रोकने के लिए प्रतिबंध किया जाए। इसके बावजूद भी 26 नवंबर को इलाहाबाद में गंगा का जल केवल प्रदूषण के नाते कचरों को डालने के कारण लाल हो गया, उसके अंदर की मछलियां मर गईं, जो श्रद्धालु स्नान करने गए वो बिना स्नान करके वापस आ गए, जबकि एक तरफ हमारी केंद्रीय जो जल संसाधन मंत्री हैं उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया। गंगा एक्शन प्लान में उन्होंने 21 सूत्री कार्यक्रम भी सबमिट किया है कि कोई भी जो गंगा बेसिन की इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, जो 764 इकाइयां हैं जो गंगा के किनारे औद्योगिक इकाइयां हैं, चाहे वो कानपुर का टैनरी हो, चमड़े का कारखाना हो, या फिरोजाबाद की चूड़ियों का हो, या और तमाम जो हैं, तो उनके उस चेतावनी के बावजूद भी ये प्रदूषण अभी भी उन इकाइयों से हो रहा है, और जिसके नाते जो भी प्रयास होगा, चाहे पहले प्रयास हुआ या आगे भी, तो मैं समझता हूँ कि शायद कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि फिर हम गंगा को कैसे पवित्र या गंगा की धारा को कैसे हम निर्मल और अविरल बना सकें। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि जब हम गंगा को, जो हमारी एक राष्ट्रीय नदी है, और उस गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद गंगा की उस जल को हम निर्मल और प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक निश्चित तौर से कानून बनाना होगा कि जो भी गंगा बेसिन के किनारे शहर हैं या उद्योग लगे हुए हैं, उनका जो भी कचरे हैं वो उसमें न डाले जाएं, नहीं तो निश्चित तौर से हम प्रदूषण से मुक्त नहीं कर सकते। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण था आपने मुझे